हाय दोस्तों, लॉकडाउन में जो इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है वो है फिटनेस और जिम इंडस्ट्री, क्योंकि सबसे आखिरी में जिम और फिटनेस इंडस्ट्री को परमिशन मिली है रीओपन होने के लिए। तो हम लोग आज ऐसे जिम आए हैं जो लॉकडाउन होने से पहले पूरी तरीके से रेडी था खुलने के लिए, बट लॉकडाउन होने की वजह से वो खुल नहीं पाया और अब जाके वो इनॉग्रेट हुआ है और हम लोग चल रहे हैं अंदर। एक्चुअली के जो लॉयन जिम की जो चेन है वो हमने आज से 4 साल पहले स्टार्ट करी थी और में ये चौथी ब्रांच है। और जो ब्रांच का जो नाम है उसमें हमने कुछ चेंजेस करके इसको चेन को आगे बढ़ाया है। रानी सती रेसकोर्स रोड पे डी लॉयन जिम के नाम से मैंने इसे प्लान करा है। आज से 5 साल पहले मैं ट्रेनर था, 2 से 3 साल तक मैंने ट्रेनिंग करते रहा। जब मेरा वहाँ से जॉब छूटा था फिर हमने 4-5 लोगों ने हमने प्लान करा कि अब अपना खुद का एक बिजनेस होना चाहिए, फिर हमने जिम प्लान करा। उसके बाद से हमारी जो काफ़ी हम जो पार्टनर्स थे फिर उन्होंने अपना अपना जिम क्रिएट करा। जैसे करते करते इस साल के अंदर मैंने जिम सोचा था कि मेरा खुद का भी जिम हो। जो मेरा जिम प्लान हुआ था वो था मेरा फरवरी के अंदर, 25 मार्च को मेरा जिम का ओपनिंग था, लेकिन 23 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा था तो वो कम से कम 4 से 5 महीने तक रहा। जो जिम सबसे पहले बंद किया गया था और सबसे लास्ट में उसे खोला गया, और अभी 4 से 5 महीने के अंदर जो नुकसान हुआ है, लाइट बिल हो गया, जो स्टाफ मैंने लॉकडाउन के पहले हायर किया था उन लोगों को 4 से 5 महीने तक उनको सैलरी देना, उनका घर खर्चा, उनको सब चीज़ें देना, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी आ गई कि मेंबर जिम में आ नहीं रहा है, मेंबर डर रहा है। अगर मेंबर अगर जिम में आएगा तो उससे क्या रहेगा, ये सारी धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म भी होगी और साथ ही साथ जो जिम के अंदर जो वर्कआउट करने से बॉडी के कई जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगे। हमने हर पर्टिकुलर मशीन को हमने हर 1 घंटे के अंदर सैनिटाइज करने का प्लान पूरा कर ही रहे हैं, और जैसे जैसे अगर मेंबर का बढ़ता है तो हर 1 घंटे के अंदर हर मेंबर 15 से 20 मेंबरों का एक स्लॉट बुक किया जाएगा। तो जैसे 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 मेंबर बढ़ते जाएंगे हर 1 घंटे की बैचेस बढ़ती जाएगी। जिम टाइमिंग जो हमने करा है हमें मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है जिम टाइमिंग। हर जो मशीनें हैं 6 फीट की दूरी पर मशीनें रखी गई है, उन्हें हर 1 घंटे के अंदर पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया जा रहा है। सो हम लोगों ने जिम में एंट्री कर ली है और आप देख सकते हो कि यहाँ का जो फर्स्ट फ्लोर है वो ही बहुत बहुत स्पेशियस है। तो इन लोगों ने सेक्शंस डिवाइड करके रखे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जिम में ये लगी है कि यहाँ देखिए कितना बड़ा टायर है। मैंने कोई अभी तक मैंने जितनी जिम्स देखी हैं उसमें एक जगह भी नहीं देखा है कि इतना बड़ा टायर हो। ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, उसको मार मार के थक जाओगे कुछ नहीं होगा। सो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ग्रीन वाला, ये क्रॉसफिट के लिए है, और ये जो मशीन है अभी पूरी तरीके से लगी नहीं है, और ये जो टायर है आप मालूम ही है उठा के जो एक्सरसाइज करते हैं ये है, प्लस रोप्स हैं, और वो जो मशीन दिख रही है वो वाली मशीन, उसमें वेट उठा के आपको चलना रहता है, वो वाली मशीन है ये। और मेन चीज़ जो हम घर में हमारी खुद की जिम में प्लेट्स हैं यहाँ पर भी वही वाली प्लेट्स हैं। सो ओवरऑल ये जो नीचे वाला फ्लोर है ये कार्डियो और क्रॉसफिट के लिए है और बहुत स्पेशियस है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। सो वो एरिया के बाद में आपके पास में आता है ये एरिया जो कि है जुम्बा के लिए। आप यहाँ पे जुम्बा कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एब्स कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। सो अब हम लोग हैं 2nd फ्लोर पे जिस पे लिखा है नो मास्क नो एंट्री। ये है 2nd फ्लोर, आप यहाँ आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो। सो सबसे मेन चीज़ होती है जिम में स्पीकर, तो वो सबसे अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा बैठने के लिए जगह, यहाँ पर भी है। सो मैं अब आपको जिम की मशीन्स का टूर दे देती हूँ 2nd फ्लोर वाली। सो ये मशीन्स मुझे जैसे दिख रही हैं कि इस पर पन्नी भी नहीं उतरी है, मतलब ये ब्रांड न्यू है अभी भी। तो ये आपकी बेंच प्रेस है, ये आपकी लेग की मशीन है। सो सबसे अच्छी मशीन मुझे ये लगी जो ट्राइसेप पुल डाउन की मशीन है। ये होती तो सब जगह पर है बट ये जो वेरिएशन दिए हुए हैं उस मशीन में वो बहुत अच्छी है। सो ये है आपकी वेट रैक जिसमें बहुत सारे वेट्स लगे हुए हैं, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है कि उठा के एक्सरसाइज कर लो। इसमें 2.5 किलो से लेके 50 किलो तक के वेट्स हैं। तो इस जिम में एक और चीज़ बहुत अच्छी है वो है कि यहाँ पर जितनी मैंने
अजीब देखी और जो बैकग्राउंड है यहाँ का वो हल्क जैसा है, मतलब हल्क के ऊपर सीट पे दिया हुआ है, तो हल्क की फोटो भी लगी। तो आपको इस जिम में कैसा फील हो रहा है, मतलब ये नई जिम है? फील हो रहा है इस जिम में, बहुत अच्छा जिम है, मजा आ रहा है वर्कआउट करने में। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस ले रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है एंड कोविड-19 की आई चीज़ें फैसिलिटी है। बेस्ट ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पर, ट्रेनिंग बेस्ट मिल रही है, सब चीज़ें ट्रेनर भी बेस्ट हैं यहाँ पर। सो आप यहाँ कब से आ रहे हो? मैं अभी यहाँ पे एक वीक से आ रहा हूँ। अभी अभी स्टार्ट किया है आपने? ओके, और कैसा फैसिलिटीज मिल रही हैं आपको? फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी हैं, सब मशीन भी अच्छी हैं। हाँ प्रिकॉशन तो सारे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है पूरी है। तो ये आवाज़ सुनने में आ रही है आपको, इनसे पूछते हैं कि इनका वर्कआउट कैसा चल रहा है। सो आपकी एक्सरसाइज देख के और आपको देख के लग रहा है कि ये टायर आपके लिए ही है। सो क्या कैसा लग रहा है आपको इस जिम में, नया जिम है, क्या फील कर रहे हैं आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिम देखा, जिम की लोकेशन देखी, प्लस यहाँ के अच्छा लगा, वर्कआउट करा तो और भी अच्छा लगा। कब से आ रहे हैं आप जिम यहाँ पर? जब से भी जिम स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन के बाद में। और सैनिटाइजेशन का क्या प्रोसेस है यहाँ पर? परफेक्ट चीज़ है यहाँ पे, हर व्यक्ति हर इंसान के लिए भी है और प्लीज़ अपनी मशीनों के लिए भी फुल इंतज़ाम है जी, काफ़ी अच्छा लगता है। और जब लॉकडाउन था तो आप क्या कर रहे थे एक्सरसाइज? आपको देख के तो लग रहा है कि आप एक्सरसाइज करते हैं। सो घर के अंदर तो ये था कि बस जो जिम के अंदर होता है वो नहीं हो पाता था जी, काफ़ी चीज़ें हैं जी, बाकी घर पे ये था कि खाली वार्म अप हो जाता था, डिप्स विप्स हुई, इसके अलावा नॉर्मल से वर्कआउट होता था और कुछ भी नहीं, बाकी यहाँ आया तो वापस से कुछ। और ट्रेनर्स कैसे हैं यहाँ के? काफ़ी अच्छा माहौल है, ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनकी देख रेख भी बहुत अच्छी है और प्लस लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा अगर यहाँ। सो मैंने देखा इन्हें कि ये शूज़ अपने कैरी करके लेके आए हैं, सो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है जिम के साथ। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? या सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज सैनिटाइज्ड, दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड ऑल। सो आपने कब जिम ज्वाइन किया ये वाला? ये मुझे एक वीक हुआ है। एक वीक हुआ है तो कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आपको जिम में? अच्छा है, मतलब एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज क्लीन, दे आर गुड, मतलब बिकॉज दे जस्ट ओपन्ड अप, सो एवरीथिंग इज क्लीन। ओके, और सोशल डिस्टेंसिंग का कैसा चल रहा है यहाँ पर? सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन्ड है। ओके, और आप पहले से एक्सरसाइज जिम जाते थे? हाँ जी। ओके, तो जब लॉकडाउन था तो आपने क्या फेस किया, कैसे करी घर पे एक्सरसाइज? या लॉकडाउन में तो नहीं होती एक्सरसाइज, एवरीवन हैज गॉट फैट, सो या That's something we did not say कि हो रहा है, but yeah, lockdown में exercise नहीं हुई and put on कर लिया था weight, so that is why gym necessary हो गया था। Okay, and trainers कैसी exercises करवा रहे हैं? How's the environment of the gym? All good, everything is good, because I just started out, तो अभी इतना वो नहीं है, but they are taking it slow, उन लोग का पूरा process है, and everything is according to that. Okay, thank you. Thank you. सो ये था डी लाइन जिम का टूर, और आपने ओनर से भी मिला और आपने मशीन्स देखी हैं, इट इज़ एक्चुअली वेरी सेफ, बहुत आराम से सब चीज़ें सैनिटाइज हो रही हैं, बहुत अच्छे से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, सो आई थिंक आप जिम आ सकते हो, जिम आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों जिम नहीं आ रहे हैं, हम लोग ने अभी घर पर सेटअप किया है जिम, इतने टाइम से जिम बंद था, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जिम्स खोलने की परमिशन नहीं थी आज भी, तो उस चक्कर में हम लोग ने खुद घर पर जिम अपना सेटअप कर लिया है, इसलिए हम लोग नहीं आ रहे, पर आई अश्योर यू अगर हम लोग जिम आएंगे, रीजॉइन करेंगे, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप और सब्सक्राइब कर दो, एंड हम आपको मिलेंगे आज शाम के ब्लॉग में।